भेजा माता शक्तिपीठ परिसर में कई सालों से टूरिज्म का भवन खंडर भवन अब प्रगति स्थान में तब्दील हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला यह संस्थान होगा जहां महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण सीखेंगी। क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाएं खुद करेंगी इस भवन का संचालन। भेजा माता शक्तिपीठ पर पूजन की सामग्री से लेकर खाद्य सामग्री भी तैयार की जाएगी। इस भवन में बाहर से आने वाले लोगों के लिए रुकने और ठहरने के लिए भी भवन किराए से दिया जाएगा और शक्तिपीठ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा रहेगी। सांसद रोड़मल नागर, सीईओ जिला पंचायत केदार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुर्जर, एनआरएलएम के प्रबंधक संजय सक्सेना, संदीप सोनी, ब्लॉक समन्वयक हर्षा गोड़, नए भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। संस्थान का ये शुभारंभ हुआ है, इस पर क्या क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत को और कैसे पंख लगे इसके लिए आजीविका मिशन और खास करके हमारे जो सीओ जिला पंचायत हैं उनकी भी मैं आज इस समय तारीफ करना चाहूँगा। आजीविका मिशन के जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि ये जो भवन हमारा किसी काम का नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको उन्होंने हम सब ने सामूहिक प्रयास से इसको लेकर के और एक प्रगति संस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनों के लिए जो ये सौगात मिली है इसमें प्रशिक्षण होगा, बहनें सीखेंगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेगी और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो जो उत्पाद हैं, जो हमारे यहाँ पर खाद्यान्न पैदा होता है, जो उत्पाद बनते हैं, परिष्कृत और परिष्कृत कैसे हों, अच्छे और अच्छे गुणवत्ता वाले कैसे हों, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, उसकी गुणवत्ता कैसे रहे, उसकी पैकेजिंग कैसे हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, उसको बाजार कैसे मिले, उसको और कैसे पंख लगें और इसका उपभोग हम ही बनाएं और हम ही इसका उपभोग करें, ऐसी सारी हमारी क्षेत्र की महिलाएँ, सारी समूह की महिलाएँ, आजीविका मिशन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का जो सपना है उस सपने को, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले सपने को इस प्रगति संस्थान के माध्यम से हम और ज़्यादा पंख लगाएंगे और ज़्यादा साकार करेंगे, जल्दी सार्थक हो ऐसा हम सब लोग प्रयास करेंगे। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए राजगढ़ से नाज़िना अल्ताफ की रिपोर्ट।